बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी मोस्ट क्लास ऑफ फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं सादे ट्राउजर की कटिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से हम अपना मेथड आपको समझाएंगे, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए 35 इंच लेंथ तैयार, ठीक है। तो ये देखिए 35 है, तो हमने कपड़ा उतार लिया है। अब उम्र हम बढ़ा के रखते हैं 2 नेफा 2 पाँचा, तो हम इसमें सिर्फ 3 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 इंच की हमने डिज़ाइनिंग करनी है। उसमें हम ऐड करेंगे, नेफा 2 इंच का चला जाएगा, पीछे 1 इंच रह गया। 35 हमें ऑलरेडी तैयार चाहिए, तो इसमें जो 2 इंच कम है वो हम डिज़ाइनिंग में मुकम्मल करेंगे। तो हम सबसे पहले नेफे का निशान लगाएंगे, ये 2 इंच, ठीक है। ये सादा ट्राउज़र है, 2 इंच पे आपने सारे निशान मेजर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे 2 इंच पाँचे पे। ये आपने समझ लिया कि जैसे आपका ये पाँचा है, ठीक है। 1 इंच को आपने निकाल देना है। हमने 3 इंच बढ़ाया क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करनी है। 2 नेफा निकाल के 1 इंच बचा, हमने इसमें 5 इंच ऐड नहीं किया क्योंकि हम उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारा कमर जगह। तो इसका जो इजी मेथड मैं आपको बता दूँ कि आपने ये निकाल के दो नीचे 5 इंच का, ठीक है, आपने 8 इंच में यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। ये आपने इसे फोल्ड कर देना अंदर, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। ये देखें, इस तरह फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आप रखें 8 इंच पर निशान, 8 इंच पर आपने एक सीधा सा निशान मार्क करना है बस। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आसन की तरफ, ठीक है। तो अब आसन का हम निशान लगाएंगे, हमें आसन तैयार चाहिए 14, ठीक है। तो हम 14 पे ही निशान लगाएंगे। 14 पर निशान इसलिए लगा रही क्योंकि जब हम यहाँ से इसकी शेप देंगे तब वो हमारा जाके पूरा हो जाएगा, हम पूरा 14 पर ही निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से 16 बटन तैयार चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच कम कर रहे हैं 15 पे, हम 15 पे यहाँ पर निशान लगा लें क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा तो ऑलरेडी 14 पे चला जाएगा, जो हम 2 या 3 इंच कम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी आपने पूरा 15 पे चले जाना है, ऊपर तक ही आपने एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये देखिए, अभी लाइन को इस लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे आपने तिरछी टेप रखनी है, अंदर से 2 इंच की, ठीक है, तिरछा रखना दरमियान में। आपने इसका निशान यहाँ से मिला देना है और ये बाहर वाले को इस तरफ से मिला देना है बस। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो निशान लगाया था इसे आपने सीधा कर लेना है। हम इसे खोल देते हैं। देखिए, जो 8 इंच का था ना, अब हमें पाँचा तैयार चाहिए 7 इंच, 7 हमें पाँचा तैयार चाहिए। ये 7 गया, ठीक है। 8.5 पे हम निशान लगाएंगे आगे 1.5 इंच बढ़ा के। तो ये देखिए, हमने पूरा 1.5 इंच बढ़ाया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने सीधी लाइन खींचनी सबसे पहले, तो ये देखिए 8 इंच पे आ गया। अब यहाँ से आपने शेप लेते जाना है, यहाँ से आपने शेप देनी है। और फ्रेंड्स, ये आपका सिंपल सा ट्राउज़र रेडी है बस। सिर्फ सिंपल ट्राउज़र की यही कटिंग है और यही तरीका है। तो हमारा जो इस लाइन का ये मार्जिन था, अब ये हमारा कटिंग का मार्जिन है। तो अब हम कटिंग करते हैं इसकी। तो ये देखिए, अभी यहाँ से हम कट करेंगे इसे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला पार्ट कट कर देते हैं। इसे थोड़ा सा आपने आधा इंच बाहर रखना है, क्योंकि अगर आपको खोलना पड़े कुछ इस तरह तो मसला नहीं होगा। कपड़ा अगर हमारे पास है ना फ्रेंड्स, तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर हम कपड़ा अंदर मार्जिन नहीं छोड़ते और हम पूरा करके कट करते हैं तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए और समझ आए। अगर आपको मसला, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।